उत्तर प्रदेश के योगी सरकार द्वारा बनाए गए लव जिहाद कानून पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांतीय अध्यक्ष ने इसे हिंदुओं के हाथों में एक लड्डू थमाने के बराबर कहा है। अगर कानूनी बनाना था तो धर्मांतरण पर पूर्णतः प्रतिबंध होता, कानूनी बनाना था तो लव जिहाद की घटना बालिग हो या नाबालिग नहीं होनी चाहिए थी। लव जिहाद जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, इस कानून के होते भी षड्यंत्र तो चलता ही रहेगा। अगर साल में 1,00,000 से ज्यादा लव जिहाद के माध्यम से चली जाती हैं, हिंदू बहन बेटियों को बाजार समझ रखा है, सब्जी की तरह बेचा जा रहा है, हिंदू लड़कियों को पैसों में बेचा जा रहा है, वैसे समाज की बेटी को 5,00,000 में बेचा जाता है और आपके देश खरीद रहे हैं। अगर योगी सरकार को कानूनी बनाना था तो कठोर कानून बनाना था जिससे कि धर्म परिवर्तन पर पूर्णतः प्रतिबंध लग सकता। प्रांतीय अध्यक्ष ने हाल में मुरादाबाद के कांट थाना इलाके में हुई घटना का हवाले देते हुए कहा कि धर्मांतरण तो हुआ, मुकदमा भी हुआ, लेकिन क्या हुआ, दोनों लड़के जेल से बाहर भी आ गए। प्रांतीय अध्यक्ष ने आगे कहा कि ये कानून तो हिंदुओं के हाथों में सिर्फ एक लड्डू के समान है, अगर कानून ही बनाना था तो कठोर कानून बनाते। दरअसल आज मुरादाबाद के लाजपत नगर में रामलीला मंच पर अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद द्वारा 1,000 युवाओं को त्रिशूल बांटने का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें रोहन सक्सेना ने हिंदू युवाओं को त्रिशूल बांटे। रोहन का कहना है 1,000 त्रिशूल का वितरण किया गया है, आगे हर हिंदू के घर में वो त्रिशूल पहुँचाएंगे ताकि वो लव जिहाद, गो हत्या, मठ मंदिर की सुरक्षा कर सके। लव जिहाद को लेकर जो कानून बना है वो कानून कुल मिलाकर हिंदुओं के हाथ में एक लड्डू थमाने के बराबर कानून है। अगर कानून ही बनाना था तो धर्मांतरण पर पूर्णतः प्रतिबंध होता, कानून ही बनाना था तो लव जिहाद की घटना बालिक हो या नाबालिग हो नहीं होनी चाहिए थी। कानून ही बनाना था तो गैर धर्म की लड़की दूसरे धर्म में जाकर विवाह नहीं कर सकती, ये कानून बनाना चाहिए था। आपने कानून क्या बनाया, बालिक लड़की शादी कर सकती, तो लव जिहाद जो हो रहा है वो तो षड्यंत्र तो चलता ही रहेगा ना। आपको कानून बनाना था तो हिंदुओं के हाथों को मजबूत करना चाहिए था। आज साल में 1,00,000 हिंदू बहन बेटियां लव जिहाद के माध्यम से चली जाती हैं, हमारी बहन बेटियों को बाजार समझ रखा है, गोभी मूली आदर गाजर अचार की तरह बेचा जाता है, वैसे समाज की लड़की को 4,00,000 में, किसी को 5,00,000 में, किसी को 2,00,000 में, किसी को 3,00,000 में बेचा जाता है, अरबी कंट्रियां खरीद रही हैं और हम शांत हैं। अगर कानून बनाना है तो कानून हमें ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके, और रोक तब लगेगी जब आप कानून कठोरतम कानून बनाएंगे, आप धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाएंगे, आप देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, आप गैर धर्म की लड़की को दूसरे धर्म के लड़के के साथ विवाह नहीं कर सकती, इस प्रकार का कानून बनाएंगे तो जाके रोक लगेगी। अभी मुरादाबाद के अंदर कांड की घटना आपने देखी होगी, उस घटना में क्या हुआ, लड़की वाली थी ना, बाद में क्या हुआ, उन लड़कों को वापस जमानत कल मिल गई ना, परिणाम क्या आया, जिस हिंदू संगठन ने उसके लिए काम करा आज वो जेल में है, उनके संगठन के लोगों ने भी हाथ खींच लिए। तो क्या कानून है, ये कानून नहीं, सिर्फ हिंदुओं के हाथ में एक लड्डू दिया गया है और उस लड्डू को, उस षड्यंत्र को हिंदुओं को समझना होगा। योगी जी, अगर आपको कानून बनाना है तो हिंदुओं के हाथ को मजबूत कीजिए, हिंदुओं की ताकत को मजबूत कीजिए, अगर आप ताकत मजबूत नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते, और ये सब कानून एक लड्डू की तरह आपने जो दिया है वो किसी काम का नहीं। राष्ट्रीय बजरंग दल ने पूर्व में भी गौरक्षा को लेकर बहुत बड़ा अभियान मुरादाबाद में चलाया था। गौरक्षा जैसा विषय जो अति संवेदनशील है, जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी थी और योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर कत्ल कारखानों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया था, तो ये गाय कैसे कट रही है। मुरादाबाद के घर सहित के अंदर इतनी बड़ी पैमाने पर गौकसी हुई, थाना अध्यक्ष के साथ पूरा थाना निलंबित हो गया, उसके बाद मुरादाबाद में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन और पुलिस की शय में ये काम चल रहा है। योगी जी, आपकी पुलिस आपकी नहीं सुन रही, इस पर ध्यान दीजिए, गौरक्षा को लेकर कठोरतम कानून की आवश्यकता है, सिर्फ कागजी कानून की आवश्यकता नहीं, कानून बने कि सड़क पर किसी भी प्रकार का मीट जाता हुआ पकड़ा गया तो उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी। जब मुरादाबाद में सिलेटर हाउस ही नहीं है,
तो मुरादाबाद के अंदर जानवरों की हत्याएं और गौ हत्याएं कैसे हो रही हैं, इस पर विचार करना पड़ेगा हमारे देश की और प्रदेश की सरकार को, इस विषय पर चिंतन करना पड़ेगा।